जिला भाजपा कार्यालय राजनांदगांव में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला एवं जनपद पंचायत के दावेदारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पंचायत चुनाव में उतरने की सलाह दी। इसके अलावा आने वाले समय में की जाने वाली तैयारियों के बारे में चर्चा की गई और आगामी बैठकों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि सभी जिला पंचायत क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर आवश्यक चर्चा एवं रणनीति तैयार की गई। बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, अशोक शर्मा, लीला राम भोजवानी, खूबचंद पारक, सचिन बघेल, कोमल जंघेल, नीलू शर्मा और सभी मंडल के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारी तैयारियों को लेकर के दूसरी बैठक है, स्तर की बैठक हो गई है। अब हमारी जनपद स्तर की बैठक होगी जिसमें हम लगभग पैनल तैयार कर लेंगे उसके और एक दो दिन में हम घोषणा कर लेंगे। प्राथमिक तौर पर हमारा ये है कि जहाँ जहाँ हमको अधिकृत करना होगा वो अधिकृत करने की हमने तैयारी कर ली है और जो क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रभावशाली लोग हैं ऐसे लोगों को हम अधिकृत करने की कोशिश करेंगे। नहीं महापौर के लिए जहाँ तक सवाल है हम भी कोशिश कर रहे हैं जो हमारे विचारों से जुड़ करके महापौर राजेंद्र को नगर निगम का बने क्योंकि जिले में जो परिणाम है कांग्रेस के अपेक्षाकृत बीजेपी के लिए ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।